भगवान मायापति हैं, इनकी माया बड़ी विचित्र है, सब मायादास हैं, हरिदास तो कोई बिरला ही बनता है। जो हरिदास होता है उसके पीछे माया चलती है, और जो मायादास होता है उसके आगे माया होती, कभी पकड़ में ही नहीं आती। किसी एक ने लिखा था कि संसार में अगर कोई सुखी है विनोद जो कटाक्ष का, तो संत जन सुखी है। वास्तविक धन्य है तेरी बात, अगर सुखी है तो संत सुखी है। जिनके हृदय में भगवान का आश्रय है उनके पीछे माया चलती है, बाबा वर्णन कर रहे हैं। भगवान मायापति हैं, लगभग सब मायादास हैं, कोई हरिदास होता है। जो हरिदास होता है उसके पीछे माया चलती है, और जो मायादास होता है उसके आगे माया चलती है, क्योंकि स्वामी आगे चलेगा ना तो पकड़ में ही नहीं आती कभी। हरिदास के आगे हरि होते, पीछे माया होती, मंगल ही मंगल है। हर व्यवस्था माया करती जाती है, और संकट निवृत्त करके परम मंगल हरि आगे चल रहे हैं। भगवान की शरण लिए बिना माया को ना कोई पकड़ सका है, ना इससे बच सका है। मायापति कोई नहीं बन पाया आज तक, इसलिए माया की शरण नहीं, हरि की शरण लो। और किसी हरिदास का अनुकरण करो, जो हरि की शरण में है उसका, उनके आचरण, उनके उपदेश, वो अनुगमन आपको हरि के प्रेम में पहुंचा देगा। जब उपासक पूज्य बाबा रास्ते में आए हुए भय और प्रलोभन को स्वीकार नहीं करता, कदम नहीं लड़खड़ाता, तब उसके अंदर ये 33 गुण प्रकाशित हो जाते हैं। ये जिसके अंदर है वो भगवान अजित को अपने अधीन कर लेता है। जब किसी का सही मार्ग तय होने लगता है तो दो बातें उसको गिराती हैं, भय या प्रलोभन। जो भय से भी नहीं लड़खड़ाता, प्रलोभन से भी नहीं रुकता, उसमें 33 भागवतिक सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। ये सही ढंग से मार्ग में चलने वाले उपासक के अंदर 33 सद्गुण जागृत हो जाते हैं, जो साक्षात भगवान से अंश मात्र में उतरते हैं भक्त पर। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपैशुन, लज्जा, अमानिता, शौच, संतोष, तितिक्षा, निष्कपटता, सत्संग, साधु प्रेम, साधु सेवा और तपस्या, स्वाध्याय, सम, दम, विनय, आर्जो, दया, श्रद्धा, विवेक, वैराग्य, एकांत सेवन, अपरिग्रह, समाधान, उपरति, तेज, क्षमा, धैर्य, अद्रोह, अभय, निरहंकारता और शांति। ये सद्गुण जो भगवान में विराजते हैं वो अंश रूप से भक्त में आ जाते हैं। पहला, अहिंसा, मन वचन कर्म से भी कभी वो किसी की हिंसा नहीं करेगा, न मन से, न वचन से, न कर्म से। धर्म का अलग अलग उपदेश है, स्थान, व्यक्ति, योग्यता, अधिकार के अनुसार। अहिंसा हमारे लिए है, हम निवृत्ति मार्ग के हैं। आप एक वीर योद्धा हैं राष्ट्र रक्षा के लिए, तो आपके लिए कठोरता चाहिए हृदय में। यदि आप दयालुता धारण करेंगे तो हमारा राष्ट्र संकट में पड़ जाएगा। आपके लिए माला चलाना नहीं, आपके लिए गोली चलाना भजन है। आप अपने धर्म से युक्त रहिए। अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लेकर भिक्षा मांग कर खा लूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कह रहे गलत, पर धर्मो भयावहा, स्वधर्म का पालन कर, इस समय नहीं भय को प्राप्त हो जाएगा। ये परमार्थ के पथ पर जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चला है, जिसको भगवान ने ये मार्ग दिया है, उसके लिए पहला सद्गुण अहिंसा। मन से, वचन से, कर्म से किसी की हिंसा नहीं करना। हिंसा और अहिंसा का निर्णय स्थान, अवसर, धर्म की स्थिति के अनुसार दिया जाता है, ना कि सार्वभौम। सार्वभौम अहिंसा का सिद्धांत नहीं चलेगा। हमारे धर्म का नाश करने आ रहा हम अहिंसा व्रत लेकर बैठे, हमारी मर्यादा, हमारे राष्ट्र, हम
हमारे धर्म का नाश करने जा रहा है, तो इस समय हिंसा ही अहिंसा से बढ़कर के भी है, ये समझना होगा। इसलिए बहुत विवेक परमार्थ में चाहिए। जो निवृत्ति परक साधक हैं, उनके हृदय में अहिंसा धर्म का प्रादुर्भाव होता है, और अहिंसा धर्म भी अपना रूप अलग धारण करता है। जैसे वेन राजा ने भगवान के विरुद्ध आचरणों की स्थापना करनी चाहिए, तो संतों ने जो अहिंसा व्रत के परम पुजारी, उन्होंने उसकी हिंसा कर दी, क्योंकि उस समय हिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और उसके शरीर से फिर मत कर भगवान पृथु को प्रकट किया। ये बड़ा सूक्ष्म विषय, धर्म बड़ा सूक्ष्म विषय है। दूसरा सत्य, मन से जो सोचा गया, वाणी से वही बोला गया, आचरण में वही किया गया, उसे सत्यवादी कहते हैं। सत्य वचन में जरूर होना चाहिए। तीसरा अस्तेय, चोरी ना करना, कभी भी किसी की चोरी ना करना, ये भगवान के भक्त में आ जाता है। चौथा ब्रह्मचर्य, अगर गृहस्थ है तो संयम के अनुसार ब्रह्मचर्य, एक नियत समय के अनुसार ब्रह्मचर्य, विरक्त है तो आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य, ये लक्षण प्रकट हो जाता है। पांचवा अपैशुन, कभी किसी की चुगली ना करना, ये साधक ध्यान दे, कभी किसी की चुगली ना करना। कैसे, तुम सुना उसने ऐसा 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 आग लगा दी, फिर उसकी बात तुम्हें सुना, जिसकी बात थी वो तो ऐसा कह रहा है, दोनों को भिड़ा दिया, मुस्कुरा के चल दिया, तो तुमको ऐसी जगह भिड़ाया जाएगा जहां मुस्कुरा ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो देख रहा है, तीसरा कोई देख रहा है, वो ऐसी जगह भिड़ाएगा कि तुम्हारी महीनों की मुस्कुराहट गायब हो जाएगी होश में। नहीं, किसी की भी चर्चा नहीं करनी, इनकी बात उनसे कहना, उनकी बात उनसे कहना, इसे चुगली कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, अपैशुन नहीं करना, ये हृदय को मलिन कर देता है। किसी की वार्ता नहीं, कभी श्री जी की वार्ता चार खड़े होके करो, बोधनता परस्पर, लाडली जी का ऐसा स्वभाव, ऐसे सुंदर, ऐसे, तो छाती ठंडी हो जाए। कभी श्री जी की चर्चा नहीं सुनते, आपस में जब दो मिलेंगे तो चर्चा होगी, तो प्रपंच की होगी, वो साधक नहीं प्रपंची कहा जाता है। अरे जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, यह जिये जान श्याम श्यामापद कमल संग सिरनायो। छठवां है लज्जा, लज्जा कहते पाप कर्म करने में बहुत संकुचित हो जाना, नहीं मन से ही घृणा हो जाए, नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम प्रभु के मार्ग के पथिक हैं। सातवां अमान्यता, ये लक्षण उदय होते हैं, मान की बिल्कुल चाह ना रह जाना, और ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। सबसे पहला लक्षण है ब्रह्मबोध महापुरुष का मान रहित होना, निर्माण अमोहा जित संग दोषा, मान सब ही मान प्रद आप अमानी, मान कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। महापुरुषों को देखो, आज भी गुरुदेव भगवान आरती करके सबको पंचांग प्रणाम करते हैं, सबको पंचांग प्रणाम करते हैं, अपने लोग गुरु जी आचार्य चरण सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर मम क्वाहम तुच्छा परम अधमा। आचार्य चरण क्या कह रहे, क्वाहम तुच्छा परम अधमा, सबको प्रणाम कर रहे हैं गुरुदेव, सबको प्रणाम कर रहे, तो हमको शिक्षा लेनी चाहिए। अमान्य ना मान देना, सब ही मान प्रद आप अमानी, ये अमान्यता ये सातवां लक्षण उपासक के अंदर जागृत होता है। आठवां पवित्रता, शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, चिंतन पवित्र, व्यवहार पवित्र, छल कपट से व्यवहार दूषित हो जाता है। अरे बहुत बहुत, अगर आप भगवत मार्ग में तो कभी ऐसा मत करना, क्योंकि जिससे कर रहे हो और आप, उसके बीच में ईश्वर विराजमान है, उसी की आराधना के मार्ग में तो चले हो। पवित्रता, शरीर पवित्र हो और वस्त्र पवित्र हो, ये आपका लोक शंका मल त्याग आदि, बहुत सावधानी से पवित्रता का निर्वाह करोगे तो शरीर राग का नाश हो जाएगा,
ध्यान रखना, जितना पवित्र हो कोई उतने शरीर राग का नाश होगा। ये उल्टा लक्षण है, शरीर को पवित्र रखना शरीर राग का नाश, शरीर को अपवित्र रखना अत्यंत ममता आसक्ति शरीर से हो जाएगी। देखो इसीलिए अत्यंत ममता आसक्ति शरीर से है। नवा संतोष, जैसी परिस्थिति प्रभु ने दी उसमें राजी रहना, जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे, कोई चाह ना रखना, ये संतोष धन है, इसी से सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने नाही, बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता। तो उपासक के हृदय में संतोष आ जाता है जैसा प्रभु ने दिया। आज सब्जी भी नहीं है, प्रभु की बड़ी कृपा है, रोटी अकेले पाली। आज रोटी भी नहीं है, जल से काम चला लिया। किसी संत से किसी ने पूछा कि प्रसाद पाया, तो उन्होंने कहा नहीं, माधुकरी नहीं मिली। फिर क्या पाया, बोले पा लिया है। क्या पाया, बोले भूख को पा लिया है। आज प्रभु की इच्छा है से भूख को पा लिया है। संतोष, काहू सो कछु न चाहोंगो, संतोष। दसवा तितिक्षा, महान सहनशील, दूसरे के कट वचन, शरीर की पीड़ा, ऋतुओं का प्रभाव, अंदर की जलन, संतुष्टा एन के नवा तितिक्षा, ये महान लक्षण है भगवत प्राप्ति के मार्ग के पथिक का। जरा सी बात में विक्षिप्त हो जाना, चिड़चिड़ा स्वभाव कर लेना, नाना प्रकार की असत वृत्तियों में दौड़ जाना, ये साधक का स्वभाव नहीं होता। बड़े से बड़े कष्ट को हंसकर सहना, बड़े से बड़ी विपरीत परिस्थिति को मुस्कुरा के सहना, ये भगवान के पार्षद का लक्षण होता है। आप भगवान के पार्षद हैं, भगवत मार्ग के पथिक, चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति। ग्यारवा निष्कपटता, संत सरल चित, जगत हित, जान स्वभाव सने। संतों का स्वभाव, उनका सने, उनके चित्त की स्थिति सरल होती है, कपट नहीं, निष्कपटता उनके हृदय में जागृत हो जाती है। बारवा संत संग में अत्यंत गाढ़ प्रेम आसक्ति, ये पैदा हो जाए भगवत कृपा पात्र के अंदर। बारवा संत संग, सत्संग भागम भाग मच जाएगा, कैसे मैं सत्संग में आगे बैठूं जिससे मैं वक्ता के मुखारविंद पर चातक की तरह दृष्टि रख करके उनके वाक्यों का पान स्वाति की बूंद की तरह करूं। सच्चे श्रोता का लक्षण, मैं भाग कर जाऊं और उनको देखता रहूं और उनके वाक्य जो निकल रहे हैं उनका पान करूं श्रवणेन्द्रीय के द्वारा। तेरहवा संत सेवा की भूख, ये प्रकट हो जाती पक्का। मैं साधु हूं ऐसा नहीं रहता, यही रहता है भगवान कब ऐसी कृपा करेंगे कि संत सेवा हो जाए। एक साधक कह रहे थे कि जब संत सेवा होती है, उनके दर्शन सेवा का अवसर मिलता है, तो ऐसा लगता है कि ये कभी बंद ना हो और जीवन भर मुझे साध सेवा मिलती रहे। बहुत अच्छा लगा कि हम लोग जब उनकी सेवा में खड़े होते तो एक अलौकिक आनंद मिलता है। संत सेवा की भूख जग जाना, बड़े भावुक जन होते हैं, बड़े भावुक जन होते हैं, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा हृदय में प्रभाव पड़ता है। एक संत थे जिन जो कभी सेवा स्वीकार नहीं करते थे, तो बाहर उस समय शौच जाने को होता था, तो जहां वो बाहर शौच जाते थे तो एक भगत थे, वो कभी शिष्य नहीं बनाते थे संत, तो कैसे सेवा करें, कहीं कुटिया में सेवा को तो अवसर ही नहीं था, तो जब शौच हो जाते तो शौच को गड्ढा खोद करके ऊपर से रथ से पाट देते, तो पहले जिस एरिया में शौच जाते थे तो उनको दिखाई देती थी पड़े साफ साफ एकदम, ऐसे महीनों हो गया। तो एक दिन छुप करके देखा तो वो कर नजदीक गए, का भाई ऐसी ये वृत्ति आप करते हो मुझे पसंद नहीं, आप क्यों करते हो। उनका भगवान मुझे लगा था कि संत सेवा करना चाहिए, आप प्रगट में कोई वही उन्हीं को शिष्य बनाया और अपनी सारी आंतरिक धरोहर उनको सेवा से बहुत, पर सेवा ऐसी छुप कर या कोई जान ना पावे या उसको जनाने की चेष्टा ना हो, उससे मान सम्मान प्रियता प्राप्त करने की इच्छा ना हो, ये सेवा का भाव बड़ी कृपा से प्राप्त होता है। संदीपिनी जी अपने गुरु जी की सेवा के प्रताप से ही जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के गुरु बनने का पद प्राप्त किया।
सेवा में बड़ी सामर्थ्य है। स्वयं रघुनाथ जी गुरु सेवा संत सेवा के इतने इच्छुक कि विश्वामित्र जी की आज्ञा में रहे, उनके साथ साथ रहे, उनके चरण दबाए, उनके जिनकी आज्ञा का पालन समस्त वैदिक ब्रह्म ऋषि सिद्धांत पूर्वक करते हैं, वो प्रभु आज्ञा पालन कर रहे हैं विश्वामित्र जी की, हर कदम पर आज्ञा लेकर जा रहे हैं। 14वां तप, तप कहते हैं मन में आए हुए विकारों को सह जाना, उसके अनुसार भोग क्रिया न करना, वो जो ताप होता है उसे सह जाना तप कहते हैं। अपने परमार्थ मार्ग में चलने में जो कष्ट मिलता है उसको हंस के सह जाना उसे तप कहते हैं। जैसे किसी को भी नींद ना आती हो तो इस समय आराम से आ जाएगी घर में आराम से, लेकिन आप नींद का त्याग करके तो प्रणाम करते हैं, कहते हैं कलयुग चल रहा है, प्रणाम करते हैं। 10-10, 20-20 हजार लोग मार्ग में, अगर हम वहां से 2:15 बजे निकलते हैं तो वो कई बजे से लगे होंगे, कई बजे खड़े रहे होंगे, कहां से आए होंगे, और किसी के चेहरे में कोई निराशा नहीं, नाचते हुए उत्साहित होते, मुझे तो सतयुग दिखाई दे रहा है, सब राधा 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 राधा, कहां उनकी नींद है, कहां उनकी सुविधाएं, छोटे छोटे गोद में बच्चे लिए धक्का खाते हुए खड़े हुए, बलियारी उनको प्रणाम है, क्या देखने के लिए खड़े हैं, क्या मिल जाता है उनको, ना एक चाय मिलती, ना एक लड्डू मिलता है, ना उनको ऐसे ऐसे भी तो नहीं होता कि, और ऐसे है भी क्या, आया क्या कुछ तुम्हारे पास है, ऐसे कुछ आया क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं तो हम कर तो रहे नहीं लोग ऐसे नहीं, अगर कुछ आया हो तो बताओ, कुछ नहीं आया, राधा 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 आया, बोलो या ना बोलो, राधा 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 कान में आया, श्रवण में सुना, तुम्हारा मंगल हो गया। कैसे भगवान की कृपा पात्र जन हैं, अपने तो संत नहीं है, संतों की चरण धूल के आश्रित हैं, वो केवल संत दर्शन मात्र के लिए दूर दूर से गाड़ियों से आकर के रोड में खड़े। आप सच्ची मानिए जब दृश्य देखिए वहां पार्क उधर से जब मुड़ते हैं तो दोना पत्तल कीचड़ जहां कूड़ा है वहां वो खड़े हैं, तब उनके चरणों में मन प्रणाम करता है कि उनको ये नहीं कि मैं कीचड़ में घुसा खड़ा हूं या ये अशुद्ध दोने पत्तल उनके ऊपर खड़ा हूं, बस कहीं से भी दर्शन हो जाए मैं खड़ा हूं, प्रणाम है। तप, अपने धर्म के पालन में जो कष्ट मिलता है उसको सहना, अपने धर्म के पालन में जो कष्ट है उससे, जैसे आप संयम से चल रहे तो काम वेदना जागृत हो रही, कोई आपको कटु वचन कह रहा तो क्रोध वेदना आ रही, आप अपने परिवार के मोह का पोषण नहीं कर रहे तो मोह जला रहा है, आपके पास अर्थव्यवस्था नहीं तो लोभ आपको सता रहा है, कई तरह की ऐसी वेदनाएं ताप हैं, पर साधक उधर ध्यान न देते हुए वो भगवान की तरफ बढ़ता, उसे ही तपस्वी कहते हैं, भारी तपस्या इसे कहते हैं। 15वां स्वाध्याय, अपनी वाणी जी का गायन और शास्त्र सिद्धांतों का स्वाध्याय, ये अगर आप नहीं भी करते हैं तो सुनने को मिल रहा है आप सबको, स्वाध्याय करने की रुचि बढ़ जाती है। देखो जिनका हृदय अपवित्र है जब वाणी जी होगी यहां बैठेंगे नहीं, यहां नहीं बैठेंगे, आपको बाहर मिलेंगे, क्योंकि मन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा वाणी जी के श्रवण में। और जिनका मन निर्मल है शांत वाणी जी में दृष्टि उधर गायन हो रहा कान में पड़ रही, अहो भाग्य बैठे रहो, ये बंद करो, जो उद्दंडता है मन की बंद करो। सम दम, सम इंद्रियों को बहिर्मुख होने से बचाओ और अंतर्मुख रखो, दम मन का निग्रह करो, मन जो भोगों की तरफ जा रहा उसे प्रभु की तरफ लगाओ, बार बार हटाकर भोगों से प्रभु की तरफ लगाना मनोनिग्रह, और इंद्रियों को विषयों से हटा करके बार बार प्रभु की तरफ लगाना इंद्रिय निग्रह। सम दम दान विनय, ये 17वां दान, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, किसी को बीमार देख रहे हो, कष्ट में देख रहे हो, या साधु सेवा या गौ सेवा, जो हमारे धर्म के स्तंभ हैं, अगर 1 रुपए भी दे देते हो धर्म की कमाई का तो बहुत बड़ा दान है।
बेईमानी करके आप 1 लाख देते हो उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि वो बेईमानी कारण जिसके पास जाएगा उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। धर्म के द्वारा कमाया हुआ यदि 1 रोटी भी दे देते हो तो वो दान माना जाता है, और अगर कहीं ये मान कर दे देते हो कि आपकी वस्तु आपको समर्पित तो सेवा बन जाती है। विनय, आपका व्यवहार विनय पूर्वक होना चाहिए। सबहिमान प्रद आप मानी, विनय इसी में आएगा। हंस बोले बहुमान दे, तरुषम सहनशीलता होए, परम उदार कहे सब कोई, सोच न मन कबहु करे कब, जब वृत्ति भगवदाकार हो जाए तब। नहीं, पहले प्रवचन में कहा है कि नारियल जैसा स्वभाव होना चाहिए, ऊपर से जटिल और कठोर और अंदर से मृदु। अगर ऊपर से मृदु रखोगे तो घायल हो जाओगे।